आज हम हर्षरती रेसिपीज में बनाएंगे महाराष्ट्र में पारंपरिक तरीके से बनाई जाने वाली, गर्मियों में सबको भाने वाली कच्चे आम की खट्टी मिट्टी कढ़ी। एक कढ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ इस तरह के दो कच्चे आम लिए हैं। एक कैरी थोड़ी सी ज्यादा खट्टी होती है, आप चाहे तो इसकी जगह तोतापुरी कैरी भी ले सकते हैं। अब इस तरह मिट्टी का बर्तन लेकर इसमें करीबन 2 बड़े गिलास पानी डालेंगे और इन कच्चे आमों को इस पानी में डालकर इस तरह ढक्कन रखकर उबलने के लिए रख देंगे। इन कच्चे आमों को हमने थोड़ी देर के लिए नमक के पानी में डुबोकर साफ पानी से धोकर अच्छे से पोंछ लिया है। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं। इस मिट्टी के बर्तन में कच्चे आम उबालने में करीबन 15 से 20 मिनट का समय लगता है। करीबन 20 मिनट बाद गैस की आंच बंद करके इसका ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। अब इन उबले हुए आमों को चिमटे की सहायता से एक बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमें इसे इतना ही ठंडा करना है जितना कि ठंडा होने के बाद हम इसे हाथ लगा सकें। ये आम ठंडे होते ही हाथों को अच्छे से साफ कर लेंगे और फिर इन आमों के इस तरह हाथों से छिलके उतार लेंगे। आप देख पा रहे हैं ये आम उबालने के बाद पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन आम के छिलकों को इस तरह हाथ में लेकर चम्मच से खुरेदते हुए इसका पल्प अलग कर लेते हैं और इसी तरह इन गुठलियों पर लगा हुआ पल्प भी चम्मच की सहायता से अलग निकाल लेते हैं। कई जगह इन कच्चे आमों को कद्दूकस करके भी कढ़ी बनाई जाती है। ये कढ़ी बनाने में तो वैसे एक जैसे इंग्रेडिएंट्स का ही उपयोग किया जाता है, कच्चे आम भी वही, मसाले भी वही, सिर्फ बनाने का तरीका अपना अपना अलग होता है। इस तरह ये सारा पल्प अलग निकाल कर तैयार है। इस तरह का कोई भी छोटा सा पैन लेकर इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा डालकर उसमें से भूनने की खुशबू आने तक इसे भून लेते हैं और जैसे ही इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो इसे इस पल्प में डालकर इस तरह पहले चम्मच से मिला लेंगे और फिर इस तरह की मथनी लेकर जिसे रई भी कहा जाता है इससे इस तरह इसे मथना है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन इस तरह मथनी से मथ कर तो देखिए, इसके स्वाद में अलग ही मजा आता है। हमें इसे तब तक मथना है जब तक इसमें कोई भी गुठलियाँ यानी लम्स ना रहे। अब इस मिश्रण में से सारी गुठलियाँ निकल चुकी है तो कैरी का उबला हुआ पानी इस मिश्रण में डालकर फिर से इसे मथेंगे। हमारे घर में नानी दादी के जमाने से ही इस कच्ची कैरी की कढ़ी में भुना हुआ आटा डाला जाता है और इसी के वजह से ही इस कढ़ी का स्वाद बेमिसाल हो जाता है। कई जगह इसमें बाइंडिंग के लिए चना दाल का आटा यानी बेसन घोलकर डाला जाता है, लेकिन हम बेसन की जगह भुना हुआ आटा ही डालते हैं। अब ये कढ़ी बनाने के लिए इस तरह के स्टील की कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालकर इसे धीमी आंच पर गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए तो इसमें 1 चम्मच राई डालकर राई चटकते ही 1 तेज पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च, 1/2 चम्मच साबुत धनिया डालकर इसे मिला लेते हैं। अब इसमें लंबाई में कटी हुई 4 से 5 लहसुन की कलियां डालकर इसका कच्चापन निकल जाने तक इसे स्टर करेंगे। अब इसमें 10-12 करी पत्ते डालकर मिला लेने के बाद 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे स्टर करेंगे। अब इसमें थोड़े से मूंगफली के दाने डालकर इसे मिला लेंगे। इस कढ़ी में उबले हुए मूंगफली के दानों का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। अब जो हमने कैरी और आटे का मिश्रण बना के रखा है उसे इस कढ़ाई में डालेंगे और करीबन 1 गिलास गुनगुना पानी इसमें मिला लेंगे। पानी की मात्रा कैरी के खटास पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो इसे चख कर देखिएगा और अगर इसकी खटास ज्यादा लगे तो इसमें पानी की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे मिला लेते हैं और जैसे ही कढ़ी को उबाल आ जाए तो इसमें करीबन 1 कप कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालेंगे। गुड़ की मात्रा कढ़ी के खटास को संतुलित करते हुए मिठास की चाह पर निर्भर होती है। वैसे देखा जाए तो एक कच्चे कैरी की कढ़ी बनाना अनुपात की जगह अनुमान और मन मर्जी का खेल है। हमारी नानी दादी और माँ के कहाँ अनुपात होते हैं, वो तो सिर्फ अनुमान से खाना बनाया करती हैं और सिर्फ प्रेम बेहिसाब डालती हैं। दही और बेसन की कढ़ी जैसी ये कैरी की कढ़ी गाढ़ी नहीं बनाई जाती। अब लगभग 5 मिनट के लिए इस कढ़ी को धीमी आंच पर पकाना है, तब तक जब तक ये गुड़ पूरी तरह से मेल्ट होकर कढ़ी एक सार ना आ जाए। अब करीबन 5 मिनट बाद गैस की आंच बंद कर देते हैं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं।
इस कढ़ी को भाकरी, रोटी, चावल के साथ पीने के लिए परोसा जाता है। ही महाराष्ट्रियन कैरीची कढ़ी आप जरूर बनाकर चखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आपके हर्षति। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।